वर्ष है विपक्ष की तरफ से आरोप आएंगे, लेकिन मैं उन हर प्रश्न का जो है वो उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, और जहाँ तक जो विषय उठाए थे मैंने उनका उत्तर भी दिया है। और हमने 5.5 वर्ष पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो विभागों में काम किया है, और यहाँ तक कि जो गोवंश सड़क पर था 36,000 में से 20,000 से ज़्यादा हमने गौशालाओं में जो है उसको आश्रय दिया है। निश्चित रूप से विपक्ष का काम प्रश्न पूछना है और हमारा काम जो है वो उत्तर देना है, और हमने एक एक पाई का हम हिसाब देंगे। वो मैंने पहले कह चुका हूँ कि इस तरह के आपत्तिजनक शब्द व्यवहारिक नहीं रहते हैं। हिसाब मांगना उनका अधिकार है, और उत्तर देना एक मंत्री के रूप में प्रश्न का उत्तर देना जो है वो मेरा भी अधिकार है और मेरा जो है वो फर्ज बनता है। लेकिन इस तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ एक कंपैरिजन बिना सोचे समझे कर देना ये ठीक बात नहीं है। मैं समझता हूँ उनके लिए भी नहीं ठीक है और किसी और के लिए भी ठीक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस विषय के ऊपर ये लालू प्रसाद की ये बात करते हैं, तो लालू प्रसाद तो UPA का पार्टनर है, और UPA के पार्टनर के नाते वो हमेशा चुनावी गठबंधन में ये सारे लोग इकट्ठे जाते हैं। तो ये थोड़ा ये सारी चीज़ें सोच समझ करके बोलनी है, लेकिन एक रस्म अदायगी जो है चुनावी वर्ष में जो है वो होने जा रही है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाला विषय नहीं है। हम तो पूरी तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ विभागों के अंदर जो है वो काम किया है, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन मैं जितना कर सकता था मैंने काम किया है। मैं हमने अपेक्षा से ज़्यादा काम किया, जिसमें 2.5 लाख मैंडेट्स हमें मिले थे, हमने 3,42,000 मैंडेट्स जो हैं वो टारगेट से कहीं ज़्यादा हम उसमें बढ़े हैं। और उसमें भी जो हमारी पेमेंट में थोड़ी कठिनाई आई थी, तो लेकिन जल्दी ही हमने जो लोगों को जो पेमेंट्स मिलती है दिहाड़ी उसके समस्या का समाधान किया था, लेकिन मटेरियल की पेमेंट्स जो थी वो पेंडिंग रही थी। लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों में हमारी जो पेमेंट्स है वो 316 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार ने एक मुश्त जो है वो किस्त जारी कर दी है। अब हमें किसी तरह की ना कोई सीमेंट की कमी है, ना ही कोई मटेरियल की कमी है, ना ही कोई वेजेस की जो है वो कमी जो है वो आ रही है। और मनरेगा में लोग और उसके कन्वर्जेंस मॉडल में अब लोग और आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ रोज़गार भी मिल रहा है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो खड़ा हो रहा है।